हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ का ये 23वां चैप्टर रिकॉग्निशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के बारे में हम अभी तक हम जो भी चीज़ें पढ़ते चले आए हैं वो प्लेन के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, कोई प्लेन इमेज होगी तो उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में जानकारी लेंगे, सॉलिड के बारे में चीज़ें। एक सामान्य सा परिचय है जो कि सॉलिड के बारे में होगा। देखिए, अगर ये क्या था, अभी तक स्क्वायर था, अब क्या बन जाएगा, यही क्यूब हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। देखिए इसको, ये ऐसे ठोस बन गया ना ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल। यहाँ पे क्या था, रेक्टेंगल, वही चेंज होके क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड में चेंज हो जाएगा। ये ट्राइंगल था, वो किस में हो जाएगा, प्रिज्म में चेंज हो जाएगा, या फिर स्क्वायर और स्क्वायर पिरामिड में चेंज हो जाएगा। यानी कि जिसके नीचे तो स्क्वायर है, ऊपर ट्रायंगल टाइप का है, इस तरीके का। ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर पिरामिड, यानी कि नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर इसकी सभी लाइन एक दूसरे में टच हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ट्रायंगल पिरामिड, ट्रायंगल और ऊपर भी ऐसे ट्रायंगल टाइप का शेप बना रहेगा। ओके, और ये देखिए, ये सिलेंडर है, इसको कहते हैं, इसको स्फेयर बोलते हैं, यानी गोला बोलते हैं। ये क्या है, बेलन है, ये कोन है। ठीक है, शंकु बोलते हैं हिंदी में इसको। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम ऊपर जानकारी ले चुके हैं, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आते हैं। तो कह रहा, लेबल ईच प्लेन पेपर और सॉलिड विद द करेक्ट कैपिटल लेटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इनको लेबल करना है, यानी एक दूसरे से ये देखना है कि कौन क्या है। ठीक है, जैसे हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर किस लेटर से मैच कर रहा है, बी से। ठीक है, ये किस से मैच करेगा, बी से। फिर सेकंड वाला क्या है, इस ये जो शेप बनी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोन से, कोन। तो ये किस से मैच करेगा, एफ से मैच करेगा। उसके बाद ये क्या है, ये है क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये किस से मैच करेगा, ये डी से मैच करेगा। किस ऑप्शन से मैच करेगा, ये डी से मैच कर जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है, गोला है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्फेयर हो जाएगा। फिर ये इसको क्या बोलेंगे, ये स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर बना हुआ है ना, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, ये सी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूब, क्योंकि इसकी सभी साइड क्या है, सेम है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोन। ये क्या है, एक कोन है। ठीक है, फिर ये क्या है, क्यूबॉइड है, यानी कि डी नंबर। ये भी क्या है, एक सिलेंडर। और रेक्टेंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैच द फॉलोइंग मैथमेटिकल नेम विथ एवरी ऑब्जेक्ट लिसेंड बिलो। ठीक है, मैच करना है। ठीक है, यहाँ आंसर लिखना है। ठीक है, करा अ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल क्या होगी, क्या हो जाएगी, टेनिस बॉल स्फीयर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए, ई नंबर में क्या स्फीयर है और ये टेनिस बॉल फर्स्ट नंबर पे है। फिर करा ए बॉक्स ऑफ कॉर्न फ्लैक्स। ठीक है, कॉर्न फ्लैक्स का जो बॉक्स होगा उसको क्या बोलेंगे, तो
उसको बोलेंगे क्या, पिरामिड, सॉरी उसको बोलेंगे क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। सेकंड में क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड हो जाएगा। फिर थर्ड में अब बीकर, कोई बीकर हो जाएगा होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो कोन हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कोन हो जाएगा। सॉरी, बीकर जो होगा वो सिलेंडर इस टाइप का हो जाएगा, यानी कि सिलेंडर हो जाएगा तो डी हो जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा? डी। फिर अगला मग। मग किस टाइप का होगा? तो मग कैसा होता है? मग कैसे होगा? गोल गोल टाइप का होता है ना, स्फेरिकल होगा। क्या होगा? स्फेरिकल, यानी कि ई हो जाएगा। फिर कॉन्च। कॉन्च क्या होगा? स्फेयर होगा। कॉन्च क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ये कॉन्च हो गया। फिर क्या है? ब्रीफ केस। ब्रीफ केस कैसा होगा? ब्रीफ केस एक क्यूबाइड शेप का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग भर लेंगे। जहां भी जो जानकारी दी है उसको हम पूरा कर लेंगे।